you find a lot of pieces, a lot of art, which have been we've been buying, my family and me, wife, and the last many years, more than over 30 years, 30, 35 years. It's soul cleansing. एक बहुत खूबसूरत हर कृष्णा भगवान का एक रंग, एक ब्लू का एक अलग अलग शेड, इतना प्यारा. उनकी आंखें एकदम, मतलब पावर उसमें है. जो थॉट है कि वॉर कितना फ्यूटाइल है, चेस बोर्ड पर दिखाया गया. एक छोटा सा हाथ पालने में जो वो दिख रहा है, जिसको संभालना चाहिए हर बच्चों को, किस तरह से एक बच्चों को पालना चाहिए, पालने में जो एक छोटा सा बच्चा है. आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक. आर्ट वार्ट में कोई डीप रुचि नहीं है, तो जो अच्छा लगता है वो देखता हूँ और जो अच्छा लगता है सुनता हूँ. पहली बार ये आर्ट गैलरी में आया हूँ, बचपन से इसको गुजर रहा था. पेंटिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही जिसको कहे कि कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है. अर्चना श्रीवास्तव जी ने बहुत ही खूबसूरत ये एग्जीबिशन, ये शो आज मैं जो देख रहा हूँ आपके हमारे सामने रखा है. सब्जेक्टिव पेंटिंग मुझे ज़्यादा पसंद है कि जिस पेंटिंग में सब्जेक्ट हो. और मैं ऐसा समझता हूँ कि डिविनिटी जो इस एग्जीबिशन का नाम है, कि स्पिरिचुअल सब्जेक्ट लेके जो उन्होंने जो ये पेंटिंग बनाए हैं, बहुत खूबसूरत बनाए हैं. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये इससे भी अच्छा काम करेगी. बिल्कुल. This is the first time I'm actually seeing it. And, you know, she gave me a tour of, you know, the meaning, and it's based on obviously Krishna's journey to Mathura from the Gita, and you know, it's really, really very meaningful. And you know, I love the in terms of the way Lord Krishna has been depicted, and you know, the meaning behind it really, really comes out strongly. And I really relate to a lot of it.